सऊदी अरब अपने तेल के भंडार की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन बीते वक्त के साथ इस देश में प्राकृतिक तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब को अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कमाई का दूसरा जरिया ढूंढने की जरूरत है, जिसके लिए सऊदी सरकार ने नियोम नाम का एक हैरत अंगेज प्रोजेक्ट शुरू किया है। हालांकि जानकारों की माने तो सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाकर सबसे बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सऊदी अरब की गलती है नियोम? सऊदी अरब रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से पर एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है, जिसे नियोम नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब में एक आधुनिक शहर बनाया जा रहा है, जिसका शेप एक लाइन की तरह होगा। इस 170 किलोमीटर लंबी लाइन के दोनों तरफ बहुमंजिला इमारतें होंगी, जबकि उन इमारतों के बीच आधुनिक शहर के अंदर 9 मिलियन लोगों के रहने के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की माने तो इस शहर को भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर के आसपास होगी। इस प्रोजेक्ट को द लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बनाने में अनुमानित लागत 500 बिलियन डॉलर के आसपास होगी। ऐसे में सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को शुरू करके एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट किसी भी वजह से पूरा नहीं हो पाया तो सऊदी अरब को इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसकी भरपाई करने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था दांव पर लग जाएगी। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स द लाइन प्रोजेक्ट को सऊदी अरब की सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं, जिसमें सफल होने के चांस बहुत कम हैं। दरअसल द लाइन प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत से लूप होल्स हैं जो इसके पूरा होने के पीछे सवाल या निशान खड़े करते हैं। द लाइन प्रोजेक्ट के तहत एक शहर को सीधी लाइन में बसाए जाने का प्लान किया गया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी। ऐसे में 9 मिलियन लोगों की आबादी को इस बेहद कम चौड़ाई वाली जगह में बसाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में लोगों को रहने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि ये शहर प्राकृतिक रूप से विकसित किए जाते हैं और लोगों की सुविधा के लिए घरों का आकार भी अलग अलग रखा जाता है। लेकिन द लाइन सिटी के अंदर बनाए जाने वाले घरों का आकार और डिजाइन लगभग एक जैसा होगा और उसमें किसी तरह का बदलाव कर पाना संभव नहीं होगा। वहीं इतनी कम जगह में लाखों लोगों को बसाने का सीधा मतलब है कि आपदा के दौरान संसाधनों की कमी हो सकती है, या फिर प्राकृतिक मुसीबत के समय लोग कम जगह और संसाधनों की वजह से एक दूसरे पर हावी हो सकते हैं। भले ही द लाइन सिटी को कम जगह का इस्तेमाल करते हुए बनाना एक चुनौती है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि कम जगह पर ज्यादा लोगों को बसाकर जमीन की बर्बादी को रोका जा सकता है और खाली बची जमीन को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द लाइन सिटी को एडवांस तकनीक की मदद से बनाकर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में इंसानों के पास रहने के लिए बहुत कम जगह होगी और उन्हें कम संसाधनों के साथ अच्छा जीवन बिताने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों का मानना है कि द लाइन सिटी को संसाधनों की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक सिटी में संसाधनों को बहुत ज्यादा बर्बाद किया जाता है और इस वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। लेकिन द लाइन सिटी में जरूरत के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल होगा और एक बार यूज हो चुकी चीज को दोबारा से रिसाइकल करके रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे संसाधनों की कमी को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस शहर में बिजली की खपत को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के रेगिस्तान में साल भर तेज धूप रहती है और उस धूप को एनर्जी में बदलना एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसकी वजह से द लाइन सिटी को ऊर्जा देने के लिए कोयला जलाने की जरूरत नहीं होगी और इससे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा द लाइन सिटी को इस हिसाब से बसाया गया है कि उसमें रोड नेटवर्क को सीमित रखा जाएगा, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो और सिटी में लगे पेड़ पौधे उस कार्बन को अवशोषित कर लें। इसके लिए द लाइन सिटी प्रोजेक्ट को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिससे सबसे टॉप एरिया में पेड़ पौधे, गार्डन और आर्टिफिशियल जंगल होंगे।
स्टॉप एरिया में गाड़ियों के चलने के लिए कोई रोड नहीं होगा और यहाँ सिर्फ पैदल यात्री ही चल सकते हैं। वहीं सिटी के दूसरे हिस्से में रोड, दुकानें, मॉल और रेस्टोरेंट्स एरिया होगा, जबकि सिटी के सिर्फ इसी हिस्से में गाड़ियों को चलाने की इजाजत होगी। इससे पूरे शहर में गंदगी और कार्बन का फैलाव नहीं होगा, जिसकी वजह से द लाइन सिटी के लोग स्वस्थ, सुविधाजनक और शोर मुक्त जीवन का आनंद उठा पाएंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट का तीसरा हिस्सा स्पाइन लेयर है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसकी वजह से द लाइन सिटी के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करना आसान और सुविधाजनक होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज होगी कि 170 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 20 मिनट के अंदर तय किया जा सकता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ पर्यटकों का टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी कई लोग द लाइन सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं और इसे सऊदी अरब के भविष्य के लिए खराब बता रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इस तरह फ्यूचर सिटी कागजों या 3D मैप पर तो अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में बना पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जानकारों का कहना है कि द लाइन सिटी को सोलर ऊर्जा के जरिए एनर्जी देने का फैसला किया गया है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि सूर्य की रोशनी से पूरे शहर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके? वहीं अगर मौसम में परिवर्तन आ जाए या फिर बारिश हो जाए तो उस स्थिति में पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा कर पाना संभव नहीं होगा। वहीं सोलर ऊर्जा के जरिए जितनी एनर्जी इकट्ठा की गई होगी वो भी ज्यादा दिन तक पूरे शहर की खपत पूरी नहीं कर सकती है, और 2 से 3 दिन के खराब मौसम में द लाइन सिटी को जगमग और संचालित कर पाना संभव नहीं होगा। इसके अलावा इस शहर में कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए गाड़ियों को एक फ्लोर पर ही चलाया जाएगा, लेकिन गाड़ियों का धुआं और शोर कहीं न कहीं शहर को प्रभावित करेगा और आर्टिफिशियल जंगल और पेड़ पौधे इस कार्बन को पूरी तरह से सोख नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी में सब कुछ आधुनिकता के साथ संचालित किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बीमार पड़ने या फिर इन्फेक्शन की चपेट में आने से रोका नहीं जा सकता है। इस तरह की स्थिति में देश के देश प्रभावित हो जाते हैं। वहीं 170 किलोमीटर के रेंज में बसे हुए द लाइन सिटी को खतरनाक बीमारी की चपेट में आने से रोकना सऊदी अरब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस तरह से बंद या यूं कहें कि स्मार्ट शहर में हवा, आर्टिफिशियल माहौल और ऊर्जा की वजह से कहीं न कहीं बीमारियों का फैलना ज्यादा आसान होता है, जबकि उस स्थिति में पीड़ितों को जिंदा रखना डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप को भी चुनौती देता है। भले ही शहर को एक हद तक भूकंप रोधी बनाया जा सकता है, लेकिन प्रकृति की शक्ति को चुनौती देना आसान नहीं है। ऐसे में अगर कभी बेहद तेज भूकंप के झटके आए तो द लाइन सिटी पल भर में ढह सकती है, और उस स्थिति में शहर के अंदर रहने वाले लोगों का जिंदा बच पाना संभव नहीं है। इन सब चुनौतियों के अलावा द लाइन सिटी प्रोजेक्ट को पूरा होने में जितना समय और पैसा खर्च होगा, उस कीमत पर किसी भी देश या शहर को नए तरीकों से तरक्की की अलग राह पर ले जाया जा सकता है। वहीं अगर ये प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हुआ या फिर प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कतें आईं, तो इसकी वजह से वक्त और पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस तरह की आधुनिक सिटी बनाने की कोशिश नहीं की गई है, जबकि 19वीं शताब्दी में स्पेन में मैड्रिड प्रांत में सियुडाड लिनियल नाम की एक प्लान सिटी को बसाया गया था। इस शहर की लंबाई 50 किलोमीटर और चौड़ाई 400 मीटर रखी गई थी, जो नियोम सिटी के मुकाबले चौड़ाई में डबल थी। लेकिन शुरुआत में इस शहर को सिर्फ 5 किलोमीटर ही बनाया गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों ने सोचा था कि बीतते वक्त के साथ शहर की लंबाई को बढ़ाया जाएगा और इसे 50 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि लाइन सिटी के प्लान को पूरा किया जा सकता, मैड्रिड प्रांत में घरों और इमारतों की लाइन बनकर तैयार हो गई, और वर्तमान समय में इस शहर में सियुडाड लिनियल को खोज पाना असंभव लगता है।
इस लाइन शहर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के किसी भी देश या कोने में शहरों का विकास लोगों के बसने के तरीके पर निर्भर करता है, जबकि हर इंसान की जरूरत और सोच अलग होती है। ये संभव है कि दुनिया में कुछ लोग आधुनिक लाइन सिटी में रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो बड़े घर और खुले इलाके में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग द लाइन सिटी के छोटे एरिया या छोटे घरों में ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, जबकि परिवारों के साइज और जरूरत के हिसाब से लोग शहर और घर भी बदलते रहते हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब नियोम प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल हो जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में इस शहर के आसपास इंसानी बस्ती नहीं बसेगी। शायद शुरुआत में सरकार द लाइन सिटी के प्रचार प्रसार के चक्कर में लोगों को उसके आसपास बसने से रोक दे, लेकिन एक वक्त बाद खुद सरकार ही लोगों को शहर के इर्द गिर्द बसाना शुरू कर देगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सिटी के विकास से ही सरकार और देश का विकास संभव हो सकता है। लाइन सिटी को बनाना और बसाना सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ऐसे शहरों में संसाधनों की खपत कम होती है और वहां जरूरतों को कम समय और पैसों में कम लोगों के लिए पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकारें ऐसी प्लान सिटी बसाने के पक्ष में होती हैं, लेकिन इस तरह के शहरों में रहने वाले लोग एक तरह से दो या चार दीवारों के बीच कैद होकर रह जाते हैं। इस तरह की प्लान सिटी में खेती करना संभव नहीं है, लिहाजा इन शहरों में रहने वाले लोगों को खाने की चीजों से लेकर पीने के पानी, डेयरी प्रोडक्ट्स और दवाइयों के लिए बाहर के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लाइन सिटी के इर्द गिर्द ही ऑर्गेनिक सिटी बसने लगती है, जहाँ लोग खेती करते हैं और उस सामान को लाइन सिटी में भेजा जाता है। इस लाइन सिटी की जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसे जिस मकसद से बसाया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता और प्लान सिटी के आसपास अनप्लान्ड सिटी बस जाती है। यही वजह है कि कई लोग इस प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये आलोचनाएं कितनी सच साबित होती हैं ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब के नियोम प्रोजेक्ट पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।